विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे थे हम लोग। आज हमने करना है तापमान का प्रादेशिक वितरण, यानी रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहले आपको डायग्राम याद होना चाहिए। डायग्राम दिख रहा है, 0 डिग्री इक्वेटर दिख रहा है, ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, नीचे 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ऊपर वाले को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, नीचे वाले को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। इन दोनों के बीच वाले क्षेत्र को बोलते हैं उष्णकटिबंध। क्या बोलते हैं? यानी ट्रॉपिकल, ट्रॉपिक्स के बीच में जो क्षेत्र है उसको क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल रीजन है। कैसा है? उसके ऊपर फिर 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और नीचे 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को बोलते हैं आर्कटिक सर्किल और नीचे वाले को बोलते हैं अंटार्कटिक सर्किल। तो 23.5 डिग्री से 66.5 के बीच वाला क्षेत्र दोनों जगह वो क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहलाता है? टेम्परेट। क्या कहलाता है? टेम्परेट, टेम्परेट जोन। उसके बाद 66.5 से लेकर नॉर्थ पोल तक, 66.5 से लेकर साउथ पोल तक ये कहलाता है क्या? शीत कटिबंध यानी फ्रिजिड जोन। क्या कहलाता है? शीत कटिबंध या फ्रिजिड जोन। तो तापमान का प्रादेशिक वितरण ये भी मेंस का क्वेश्चन होता है अपने आप में। ये डायग्राम बनाना है आपने, इसको समझाना है कि तापमान का प्रादेशिक वितरण कैसे कैसे होता है। तापमान का प्रादेशिक वितरण वास्तव में क्षैतिज वितरण, क्षैतिज वितरण को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। कैसा? हॉरिजॉन्टल वितरण ही होता है, परंतु ग्लोब को तापमान की दृष्टि से कुछ ऐसे खास प्रदेशों में विभक्त कर लेते हैं जिनमें तापमान का वितरण तथा उनकी विशेषताएं समान होती है। धरातल पर ताप क्षेत्रों की सीमाएं अक्षांश रेखाओं द्वारा बनाई जाती हैं। लैटिट्यूड ही तो है, अगर 23.5 डिग्री भी बोल रहे हैं हम तो एक तरह से लैटिट्यूड के हिसाब से चल रहे हैं। 66.5 भी एक तरह से लैटिट्यूड है, ठीक है। धरातल पर ताप क्षेत्रों की सीमाएं अक्षांश रेखाओं द्वारा बनाई जाती है। यूनानी विद्वानों ने इसी आधार पर पृथ्वी को 3 ताप कटिबंधों यानी थर्मल जोन में विभक्त किया था। नंबर 1 उष्णकटिबंध यानी टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन, टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन। दूसरा शीतोष्ण कटिबंध यानी टेम्परेट जोन और तीसरा शीत कटिबंध यानी फ्रिजिड जोन। शीत कटिबंध या फ्रिजिड जोन, पहला हो गया उष्ण कटिबंध, टॉरिड या ट्रॉपिकल जोन, या विषुवत रेखा के दोनों ओर कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड उत्तरी अक्षांश, और मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या साउथ लैटिट्यूड के बीच फैला है। सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून को कर्क रेखा पर 90 डिग्री एंगल बनाती है सूर्य की किरणें और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं, 90 डिग्री एंगल बनाती है। साथ ही साथ ये दोनों रेखाएं सूर्य के उत्तरी तथा दक्षिणी सीमाएं हैं, यानी इससे ऊपर और इससे नीचे सूर्य कहीं पर भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते, ना तो 23.5 डिग्री से ऊपर, लास्ट सीमा वही है। इसीलिए हम बोलते हैं कि कर्क रेखा तक 90 डिग्री के एंगल पर रेज गई और उसके बाद फिर वापस दक्षिणायन होना शुरू होता है। मकर रेखा पर 90 डिग्री एंगल पड़ा, उसके बाद सीधे उत्तरायण होना शुरू होता है। इतना समझ में आ गया? इस चीज को समझो, ठीक है जी। इस कटिबंध में वर्ष पर्यंत अधिक तापमान रहता है। क्या रहता है? अधिक तापमान रहता है। अब है शीतोष्ण कटिबंध यानी टेम्परेट जोन, दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री अक्षांश और 66.5 डिग्री अक्षांश तक फैला होता है। इस भाग में दिन की लंबाई 40 डिग्री अक्षांश पर 16 घंटे 63 मिनट, कितनी 40 डिग्री अक्षांश पर 16 घंटे और 63 डिग्री अक्षांश पर 20 घंटे होती है। 63 डिग्री अक्षांश पर अगर आप जाएंगे वहां पर 20 घंटे का दिन मिलेगा, और ऊपर जाओगे तो 6 महीने का दिन 6 महीने की रात ध्रुवों पर, सुना है। सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन की स्थितियों के कारण ऋतुओं में पर्याप्त अंतर होता है। ग्रीष्म और शीत ऋतुओं के तापमान में अत्यधिक अंतर होता है, ठीक है। शीत कटिबंध यानी फ्रिजिड जोन, दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों तक यानी 90 डिग्री तक फैले हुए हैं। इस भाग में दिन की अवधि 24 घंटे से अधिक होती है। ध्रुवों के समीप 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है। सूर्य की किरणें अत्यंत तिरछी पड़ने के कारण यहाँ कठोर शीत पड़ती है।
मैंने आपको बता दिया सूर्य किरणें तिरछी पड़ रही, ज्यादा ट्रेवल कर रही है एटमोस्फियर में, तो एब्जॉर्ब भी हो रही है, स्कैटर्ड भी हो रही है ना, प्रकीर्णन भी हो रहा है, अवशोषण भी हो रहा है, तो जो गर्मी मिलनी चाहिए उस प्रकाश में वो नहीं मिलती है। प्रकाश आता है बट उसमें हीट नहीं होती ज्यादा, इसलिए क्या होती है कठोर शीत पड़ती है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अगला हेडिंग है हमारा तापमान विसंगति यानी थर्मल एनोमली। थर्मल एनोमली से आप क्या समझते हैं? फिर दोबारा मेंस का क्वेश्चन है, प्री में भी पूछा जा सकता है। किसी भी स्थान विशेष का औसत तापमान तथा उस स्थान के अक्षांश के औसत तापमान के अंतर को तापीय विसंगति कहते हैं। इतना ही लिखना होता है, इतना ही लिखना होता है, 2 नंबर मिल जाते हैं। इतना कि किसी भी स्थान विशेष के औसत तापमान तथा उस स्थान के अक्षांश का औसत तापमान के अंतर को तापीय विसंगति कहते हैं। समान तापीय विसंगति वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को सम विसंगति रेखा यानी आइसोनॉर्मल आइसोनॉर्मल्स कहते हैं। अब ये दोनों दो क्वेश्चन बन गए यहां से। एक बन गया कौन सा? आइसोनॉर्मल। आइसोनॉर्मल लाइन क्या होती है? आपने बोलना है समान तापीय विसंगति वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को सम विसंगति रेखा कहते हैं। अब जो पहले वाली डेफिनेशन पढ़ी उसका मतलब क्या है? एक लैटिट्यूड ले लो, लैटिट्यूड ले लिया आपने, माना मैं अफ्रीका में जाता हूं, 0 डिग्री इक्वेटर से नीचे जाता हूं, उस पर बहुत गर्मी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? लेकिन नॉर्थ ईस्ट तंजानिया में एक माउंटेन हो गया, कौन सा? किलिमंजारो। क्या हो गया? अब किलिमंजारो की हाइट 6,000 से भी ऊपर है, क्या है? अब वहां पर वही क्या, कौन सा कंसेप्ट लग गया? वायुमंडल की विशेषता लग गई, सामान्य ताप पतन दर वाली, 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। अब जो आपका किलिमंजारो है, अगर वो हाइट ना होती वहां पर, तो वहां पर तापमान बहुत गर्म होना था। लेकिन किलिमंजारो एक वॉल्केनो है, उसके ऊपर उसका जो शिखर होता है वो हिमाच्छादित रहता है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, 0 डिग्री इक्वेटर के निकट होने के बावजूद अफ्रीका का वो कौन सा पॉइंट है जो हिमाच्छादित रहता है? ऑप्शन में जो आंसर निकल के आया वो किलिमंजारो निकल गया। सबसे चौड़े मुंह वाला वोल्केनो है, ऊपर बर्फ पड़ी रहती है। अब होना क्या चाहिए था वहां पर? गर्मी। लेकिन उस लेटिट्यूड पर क्या दिख रहा है आपको? बर्फ दिख रही, जबकि 0 डिग्री के आसपास, 0 से 23 के बीच में जल्दी से बर्फ दिखती नहीं है। क्यों दिखी? एल्टीट्यूड की वजह से, उत्तुंगता की वजह से, उसकी वजह से। तो मैंने कहा कि किसी भी स्थान विशेष का औसत तापमान तथा उस स्थान के अक्षांश के औसत तापमान के अंतर को तापीय विसंगति। अब अगर उस लेटिट्यूड का औसत तापमान हम निकालते हैं तो कुछ और आना चाहिए, लेकिन क्योंकि किलिमंजारो है, हाइट है, वहां का औसत तापमान क्या हो रहा है? अलग निकल रहा है। दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? तापीय विसंगति बोल रहे हैं, थर्मल एनोमली बोल रहे हैं। कठिन है? अजी बहुत आसान है। क्या है? थोड़ा सा याद करना पड़ता है, दरअसल आप लोग याद करना भूल गए। आप लोगों को लग रहा पढ़ने से हो जाएगा, नहीं होगा। खाली पढ़ने से आपका प्री निकलेगा, मेंस नहीं निकलेगा। मेंस के लिए आपको बार बार याद करना पड़ेगा, जैसे बचपन में आप याद करते थे, और फिर लिखना पड़ेगा उसे बिना देखे। और बचपन में तो हो जाता था, तब तक दिमाग अच्छा होता है, रात को पढ़ा, सुबह पेपर दिया, अच्छा आ गया वहां पर। अब नहीं होता है, अब तो बार बार लिखना है। आज लिख दिया, फिर 1 हफ्ते बाद लिख दिया, मतलब जो तरीका है वो ये है कि आज लिख दिया सुबह, फिर शाम को लिखा, फिर 3 दिन बाद लिखा, फिर 7 दिन बाद लिखा, फिर 15 दिन बाद लिखा, फिर 1 महीने बाद लिखा, तो वो हमेशा के लिए दिमाग में क्या हो जाता है? बैठ जाता है। इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग की अधिकता के कारण दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा तापीय विसंगति अधिक होती है। अब ये जो चीजें है ना, ये आपके स्टेटमेंट में देती है यूपीएससी। अब तापीय विसंगति नहीं पता, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का कंसेप्ट नहीं पता। सीधी सी बात है, उत्तरी गोलार्ध में जमीन ज्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध में पानी ज्यादा है, तो पानी में लगभग लगभग क्या होगा कि तापीय विसंगति जल्दी ज्यादा नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? जमीन में पाई जाती है, जमीन ऊंची नीची होती है, कहीं पर खड्ड होते हैं, कहीं पर बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, कहीं पर डेजर्ट होते हैं, कहीं पर क्या होंगे भाई? डेजर्ट होंगे तो डेजर्ट का अलग कंसेप्ट हो जाएगा, फिर कहीं पर वेजिटेशन ज्यादा हो गया तो वहां का कंसेप्ट अलग हो जाएगा, वहां का टेम्परेचर अलग होगा। समझ में आया? जैसे मंगोलिया में डेजर्ट है या सारा में डेजर्ट है, तो वहां पर लोग क्या कर रहे हैं कि अब कुछ नए तरीके जो हैं
उनसे क्या कर रहे हैं, जैसे घास उन्होंने हरा कर दिया उस डेजर्ट को, क्या कर दिया, कुछ पार्ट, पूरा डेजर्ट नहीं बोल रहा हूँ, कुछ पार्ट को क्या कर दिया, हरा कर दिया। अब उसके लिए क्या किया उन्होंने, तो बहुत सारे जेनेटिकल मॉडिफाइड ग्रास होती हैं, या तो मतलब जहां खाली रेत दिखती थी वहां पे अब हरा हरा सा दिख रहा है, तो वहां का जो टेम्परेचर होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि रेत पर जब धूप पड़ेगी वो अलग चीज होगी, और भले ही नागफनी का जंगल हो, नागफनी के कांटे कांटे हो, वहां का टेम्परेचर अलग होगा। समझ में आया? इवन एक बार क्वेश्चन आया हीट आइलैंड किसको बोलते हैं, क्या? अब जैसे माना हम ये पूरा क्षेत्र है इसका तापमान अलग है, लेकिन एक एयरपोर्ट खोल दो आप, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पर जहाज उतरेंगे चढ़ेंगे, मतलब उड़ेंगे उतरेंगे उड़ेंगे उतरेंगे, तो वहां का टेम्परेचर हमेशा क्या होगा, 4-5 डिग्री ज्यादा होगा, 2 डिग्री ज्यादा होगा। आप बोलेंगे जी दिल्ली का टेम्परेचर कितना, आप बोलोगे जी इतना, और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टेम्परेचर कितना, तो 5 डिग्री ज्यादा मिलेगा। कारण क्या है, जो जहाज उतर रहे हैं वो अपनी ऊष्मा छोड़ेंगे वहां पर, वहां का टेम्परेचर, तो ऐसे जगहों को हीट आइलैंड कहा जाता है। क्या कहते हैं? हीट आइलैंड। समझ में आ गया? तो भाई उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग की अधिकता के कारण दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा तापीय विसंगति अधिक होती है। अब मैं अगर क्वेश्चन बनाता यूपीएससी के लिए तो मैं ये बोलता कि दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में तापीय विसंगति अधिक होती है। ठीक है, पहला ये मैंने कथन दे दिया, कारण मैं देता कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की अधिकता है जबकि दक्षिणी भाग में क्या है, जल की अधिकता है। अब अपने आप निकालना होता है आंसर कि यार स्थल भाग जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर नीचे डेजर्ट वेजर्ट ये सब चीजें होती, तापीय विसंगति क्या होगी वहां पर, ज्यादा होगी। पानी है लगभग लगभग वैसे ही रहता है टेम्परेचर। समझ में आ गया? ठीक। जब स्थान विशेष का तापमान उसके अक्षांश की अपेक्षा अधिक होता है तो धनात्मक विसंगति बोलते हैं, पॉजिटिव एनोमली बोलते हैं, और कम होने पर ऋणात्मक विसंगति यानी नेगेटिव एनोमली होती है। जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में महासागरों तथा महाद्वीपों के ऊपर क्रमशः धनात्मक और ऋणात्मक विसंगतियां पाई जाती हैं, जबकि जुलाई के महीने में महाद्वीपों पर धनात्मक विसंगति मिलती है। इसका मुख्य कारण स्थल भाग का अधिक गर्म होना होता है। अब फिर यहां से स्टेटमेंट बना के दे देगी यूपीएससी। यूपीएससी बहुत छोटी चीजों को पकड़ती है, पूरा कंसेप्ट नहीं समझाती, सिर्फ बोलेगी क्या, जुलाई के महीने में महाद्वीपों पर धनात्मक विसंगति मिलती है। क्या बोलेगी? कारण में देगी स्थल भाग का अधिक गर्म होना इसका कारण है, या स्थल भाग जल्दी गर्म, ज्यादा गर्म होते हैं जल की अपेक्षा। कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की पुष्टि कर रहा है। क्लियर हो गया? ठीक। अगला अब बड़ा हेडिंग है, वायुदाब तथा पवन संचार, एयर प्रेशर तथा एंड एयर सर्कुलेशन, एयर प्रेशर एंड एयर सर्कुलेशन। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, दिख रहा है? उसने पूछा सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहां पर होता है, आंसर समुद्र तल पर होता है। एक बार तो ये पूछा, दूसरी बार में पूछा उसने समुद्र तल पर एयर प्रेशर कितना होता है, 1013.25 होता है। कितना होता है? 1013.25 होता है। समझ में आया? ये यूपीएससी ने पूछे ऐसे क्वेश्चन, अब नहीं पूछ रही है इतने आसान क्वेश्चन, लेकिन अब ये पीसीएस में पूछे जाते हैं। तो अभी जैसे मैंने बता दिया आपको कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये दोबारा पूछा जाएगा, हो सकता है आपको पीसीएस में दिखे, सबॉर्डिनेट में दिखे, नायब तहसीलदार में दिखे, आरओ आरओ में दिखे, लेकिन कहीं ना कहीं पर आपको ये दिखेगा। अब नीचे वाला उतना याद नहीं करना है, लेकिन ये याद करना है समुद्र तल पर सबसे ज्यादा वायुदाब मिलता है और वो 1013.25 मिलीबार होता है। क्या होता है? चलो जी, तो वायुदाब तथा पवन संचार को पढ़ लेते हैं। वायु में भार होता है जिससे धरातल पर उसका दबाव पड़ता है, इसी को हम वायुदाब कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? आपके सिर पर अभी भी इतना वायुदाब है जितना एक हाथी का बच्चा होता है। कितना? आपने एटमॉस्फेयर पढ़ा, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, क्या 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 पढ़ा आपने, पढ़ा ना? तो वायु में भार होता है कि नहीं होता है? होता है। गैसों में भार होता है? गैसों में भार होता है क्या? पक्का? कैसे पता करेंगे? हाँ, आप सिलेंडर उठा लो सिर पे,
पता चल जाएगा आपको कि गैसों में भार होता है कि नहीं होता है, ऐसे वायु में भी भार होता है। अब आप अपने सिर को पकड़ो और यहां पे क्या बनाओ, क्या बनाओ, गोला बनाओ और इसको ऊपर तक ले जाओ। क्या करो, ऊपर तक जहां पे वायुमंडल की आखिरी सीमा है, और ये मानो कि ये सिलेंडर है। ये क्या है, सिलेंडर है, इसमें वायु होगी। इस सिलेंडर में उसका भार होगा किस पर पड़ेगा, किस पर पड़ेगा, अरे आपके सिर के ऊपर ही तो पड़ रहा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपके सिर पर हर समय इतना भार है जितना एक हाथी का बच्चा हो। अब आपको पता क्यों नहीं चल रहा, बताओ क्यों पता नहीं चल रहा? क्योंकि ब्लड प्रेशर है आपका, आपके ब्लड प्रेशर ने क्या कर रखा, ऐसे क्या कर रखा। अब आप तो भी जवान लोग हो, बच्चे हो, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है आपका, 80 120 आ रहा होगा, है ना। किसमें नापा जाता है ब्लड प्रेशर, अरे स्पिग्नोमैनोमीटर से नापा जाता है। किससे नापा जाता है, स्पिग्नोमैनोमीटर से नापा जाता है। अभी आप नपवाओगे 80 120 आएगा, कितना आएगा, एक सिस्टोलिक प्रेशर एक डायस्टोलिक प्रेशर आता है उसमें। सिस्टोलिक कितना होना चाहिए, हाँ जी, सिस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए, अरे हार्ट होता है हमारा माई तरफ, हार्ट होता है, चार चैम्बर होते हैं, अलिंद और निलय, ओरेकल और वेंट्रिकल्स, दाया अलिंद बाया अलिंद, दाया निलय बाया निलय, एक तरफ डाइकस्पिड वाल्व होता है, एक तरफ ट्राइकस्पिड वाल्व होता है क्या करता है वो, अरे वॉल्व छोड़ो, वॉल्व तो वन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, वॉल्व का मतलब ये होता है, पर मैं बोल रहा हूँ हार्ट करता क्या है, एक बार ऊपर वाला फैलेगा, एक बार पिचकेगा, एक बार ऐसे नीचे वाला जो मतलब अलिंद, एक बार फैलेंगे ब्लड आएगा उसमें, एक बार पिचकेगा, फिर ऐसे निलय भी एक बार क्या होगा, फैलेगा एक बार पिचकेगा, ऐसे ही होगा। और फिर वो जो ब्लड प्रेशर होता है वो किस पर दाब होता है, धमनियों पर कि सिराओं पर। धमनी किसको बोलते हैं, ये जेडबीसी वाले बैठे हुए क्या किया इन लोगों ने भाई, किस पर होता है, आर्टरीज पर होता है कि वेन्स पर होता है, आर्टरीज पर होता है। इसीलिए बोला था अपनी आर्टरीज को ज्यादा मोटा मत करो, प्रकृति ने जो पाइप दे रखे वो साफ होने चाहिए अंदर से, और खाना है बाहर का खूब क्या चीज बस्ट, तो फिर वो जमता है वहां पर, पाइप पतले हो जाते हैं, फिर डॉक्टर बोलता है, क्या बोलता है डॉक्टर, क्या बोलता है एक उम्र के बाद, जी आपके जो ये है हार्ट में वो जम गई है, कोलेस्ट्रॉल जम गया है, अब क्या लगाना पड़ेगा, स्टंट लगाना पड़ेगा कि एक स्प्रिंग लगाना पड़ता है, चौड़ा करना पड़ता है उस क्षेत्र को। समझ में आ गया, अब ये प्रेशर पड़ा, मैंने पूछा सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, डायस्टोलिक कितना होता है, ढूंढो भाई कितना होता है सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक कितना होता है 80, याद रखना। सिस्टोलिक क्या चीज है, चलो अब फिर मैं वापस आता हूं, ज्यादा पता चला। फिर अब क्या ब्लड प्रेशर है, इधर देखो ये ब्लड प्रेशर है, अभी आप बैठे हो जहां जन्म ले रखा, बचपन से रह रहे हो, इतना ही रहेगा। अब मैं आपको लेके जाता हूं कहां, यात्रा पे, रूप कुंड कहां ले जाता हूं, रूप कुंड ले जाता हूं, जैसे 3,000 मीटर, बल्कि कुछ तो ऐसे होंगे 2,500 मीटर पर ही बोलने लगेंगे, बोलेंगे कि जी हमारे सिर पे हथौड़े बज रहे, कुछ 3,000 मीटर पे बोलेंगे, फिर जोरा गली आएगी एक जगह 4,000 मीटर से ऊपर हाइट है वहां पर, जैसे आप वहां पहुंचोगे आप बोलोगे जी घबराहट हो रही, बेचैनी हो रही, सांस लेने में दिक्कत, ऑक्सीजन की कमी होगी वहां पर साथ में, जी ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। कोई कमजोर व्यक्ति होगा तो उसकी नाक से ब्लीडिंग भी हो सकती है, क्या हो सकती है, समझ में आया। फिर दूसरा मैं आपको नीचे लेके गया, पनडुब्बी में बिठाया और नीचे लेके गया, वहां पर आपने कहा जी ऐसा लग रहा है कि सिर की नसें क्या है फटने वाली है। अब भगवान ना करे पनडुब्बी तब तक क्या होगी, अनकंट्रोल्ड हो गई और पनडुब्बी बहने लग गई, तो रहेंगे बिल्कुल वैसे बढ़िया जैसे बोलते हैं, लेकिन मरे हुए मिलेंगे, कारण नसें जो है वो फट जाएंगी। क्यों फटेंगी, क्योंकि पनडुब्बी में एटमोस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपका ब्लड प्रेशर उसको क्या नहीं कर पाएगा, बैलेंस नहीं कर पाएगा। आप एवरेस्ट पे जब चढ़ते हो तो क्या है कि अभी तक तो बैलेंस है, अब आपने कहा जी एवरेस्ट चढ़ना है, तो एवरेस्ट चढ़ना है तो क्या होगा कि ये ज्यादा हो जाएगा आपका और ये कम हो जाएगा, ऊपर एटमोस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, ये ज्यादा हो गया, तो ये जगह ढूंढेगा निकलने की,
कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। समझ में आगे। फिर आप अपने जो खान पान और अपनी जो दैनिक दिनचर्या है अगर वो खराब करते हैं तो आपको एक बीमारी होती, बीमारी तो नहीं बोलते उसे बट बीमारी है एक तरह से, ब्लड प्रेशर। तो जिसको ब्लड प्रेशर होता है उससे पूछना क्या होता है, उसको क्या होता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है। जिसका ब्लड प्रेशर लो होता है उसको भी प्रॉब्लम होती है, आग पैर ऐसे हो जाते हैं उसके एकदम से, है ना। समझ में आ रहा है। जब तक प्रेशर क्या है ऐसे तब तक आप सही है। तो वायु में भार होता है जिससे धरातल पर उसका दबाव पड़ता है, इसी को हम वायु दाब कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। किसी भी वायु स्तंभ का दाब उसके भार के बराबर होता है, अर्थात मध्य समुद्र तल में वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। भाई वायुमंडलीय दाब की डेफिनेशन जब आपने देनी है तो समृद्ध भाषा में देनी है कि मध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा, वो ऊपर जहां तक वायु है अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल। एक इकाई क्षेत्रफल का मतलब होता है सेंटीमीटर में ले लो, मीटर में ले लो, वन सेंटीमीटर इंटू वन सेंटीमीटर या 1 मीटर इंटू 1 मीटर, मतलब एक एक इकाई मतलब उसकी लंबाई भी एक है, चौड़ाई भी एक है। या अगर आप अपना सिर ले रहे हो तो एक सिलेंडर बना दो, सर्किल बना दो, सिर कैसा होता है सर्कुलर, तो बेलनाकार ले लो ऊपर, क्या ले लो, उस पर लास्ट तक जो वायु होगी उसका एक भार होगा जो आपके कहां पड़ रहा होगा, यहां पड़ रहा होगा, लेकिन आपको फील नहीं हो रहा है। ये फील तब होता है जिसको बीपी होता है, समझ में आ गया। लोअर हाई पर, लोअर हाई का मतलब क्या हो गया, हाई कब हो गया, जब आपकी जो आर्टरीज है वो मोटी हो गई, उनकी दीवारें मोटी हो गई, सख्त हो गई। जब बच्चा जन्म लेता है उसकी हार्ट बीट देखना बहुत तेज होती है, उसके सिर के ऊपर भी धड़क रहा होता है, क्या हो रहा होता है, धीरे धीरे वो हड्डी बनती है, वरना यहाँ पे सिर्फ खाल रहती है, देखा है। और फिर मैंने कहा आर्टरीज आपने मोटी कर दी, टेंशन ले लेके पढ़ाई की नहीं, टेंशन लेते रहे, तो भी आपको क्या होगा, टेंशन लेने से भी क्या होता है, इसीलिए बीपी को हाइपरटेंशन लिखा जाता है, डॉक्टर कभी बीपी नहीं लिखता है, क्या लिखता है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब ज्यादा टेंशन ले लिया, अरे भैया उससे बढ़िया पढ़ लो और भारतवर्ष में जन्म लिया है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। एडुकेशन इज नॉट फॉर लिविंग, नेसेसरी फॉर लाइफ। शिक्षा खाली जीविकोपार्जन के लिए नहीं होती है, लाइफ के लिए भी जरूरी होती है, समझ में आ गया, ठीक। तो मध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ, एक स्तंभ बन गया, कॉलम पड़ गया, एक वायु का क्या पड़ गया, वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा, आ गया। वायु दाब को मापने की इकाई मिलीबार तथा पास्कल है। कभी 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 तो इतने में काम चल जाता, वन डे जो ग्रुप सी देते हैं कि पास्कल किसकी इकाई है, आंसर वायु दाब की। वायु दाब किसमें मापा जाता है, मिलीबार में मापा जाता है, है ना। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013.25, भाई 213.25 मिलीबार याद कर लो, ये आईएएस में मैंने अपने समय में देखा है, अब वो पीसीएस में दिखेगा आपको 1013.25 मिलीबार या 101.325 किलो पास्कल होता है। पास्कल में भी याद कर लो, 101.325 किलो पास्कल होता है। सागर तल पर समान वायु दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। आइसोबार का क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार मेंस में कि सागर तल पर समान वायु दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, समदाब रेखा, आइसोबार। वायु दाब को मापने के लिए पारा वायु दाब मापी यानी मरकरी बैरोमीटर अथवा निद्रव बैरोमीटर यानी एंड्रॉइड बैरोमीटर का प्रयोग होता है। क्या होता है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से, अब देखो यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा कि थर्मामीटर में पारा चढ़ रहा है ऊपर, बैरोमीटर में पारा गिर रहा है, किस चीज का संकेत है, आंसर तूफान का। कभी भी देखना, वैसे भी देखा होगा आपने, ऋषिकेश में देखा होगा बहुत गर्मी पड़ गई,
यहाँ पे तो नहीं आते हैं तूफान, क्योंकि घाटी है। पर बहुत गर्मी पड़गी तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर जब गर्मी पड़ेगी तो जमीन गर्म होगी, उसके कांटेक्ट में जो एयर होगी वो गर्म होगी, वो एयर ऊपर उठकर क्या हो जाएगी, हल्की होकर ऊपर चली जाएगी, यहाँ पर लो प्रेशर का जोन बन जाएगा, कहीं हाई प्रेशर से उस लो प्रेशर को भरने के लिए हवाएं चलेंगी। तो कल मैं बता रहा था आपको ग्रेडियंट, जितना नजदीक होंगी वो वायु दाब रेखाएं, तो समझ लीजिए कि प्रेशर ग्रेडियंट उतना क्या ज्यादा है, जितना ज्यादा होगा उतनी तेज क्या होगा, हवाएं उसको भरने के लिए आएंगी। समझ में आ गया? और जब हवाएं भरने के लिए आएंगी तो क्या होगा, उसी को हम बोलेंगे, उस हवा के बीच में कुछ कमजोर लोग खड़े होंगे, वो उड़ जाएंगे, तो उसी को हम बोलेंगे तूफान में कुछ लोग क्या हैं, उड़ गए, ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है भाई, तो बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट तूफानी मौसम का संकेत देती है, इतना समझ में आ गया। बैरोमीटर के पठन का पहला पहले गिरना फिर धीरे धीरे बढ़ना वर्षा की स्थिति का द्योतक होता है। हो सकता है अब ये पूछ ले, क्या पूछे, बैरोमीटर का पठन का पहले गिरना फिर धीरे धीरे बढ़ना वर्षा की स्थिति का द्योतक होता है, बैरोमीटर के पठन में लगातार बढ़ना प्रति चक्रवात यानी एंटी साइक्लोन और साफ मौसम का संकेत देता है। ऊंचाई के साथ वायु दाब में प्रति 10 मीटर पर 1 मिलीबार की दर से वायु दाब घटने लगता है क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फियर में। क्या पढ़ा आपने, क्या पढ़ा भाई, तीन चीजें यहीं पर याद कर लो। एक, सामान्य ताप पतन दर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम, या 1000 मीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। एक कंसेप्ट तो ये याद कर लिया। दूसरा याद कर लो अभी, यहां पर प्रत्येक 10 मीटर पर ऊपर जाने पर 1 मिलीबार की कमी आ जाती है। कितने की? प्रत्येक 10 मीटर ऊपर जाने पर 1 मिलीबार वायु दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए जब आप पहाड़ों पर जाते हैं वहां पर वायु दाब क्या होता है, कम होता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर कम होता है। दाल नहीं गलती है आपकी प्रेशर कुकर में भी। क्या नहीं गलती? दाल गलती नहीं है। यहाँ आप 2 सिटी में बना देते हो, अगर वहां बना के दिखा दो ऊपर हाइट पर जाए। ठीक है, और भी कारण होते हैं। और तीसरी चीज याद कर लो कि 32 मीटर का खड्डा खोदोगे और उसके अंदर जाओगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ेगा। तीन लाइनें याद कर लो, 32 मीटर नीचे जाओगे तो हर 32 मीटर नीचे जाने पर इस पर अर्थ क्रस्ट पर, अब क्रस्ट तो बहुत मोटी है, 100 किलोमीटर तक नहीं होता ऐसा, लेकिन कुछ दूरी तक ऐसा होगा, हर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो जो खदानों में काम करते हैं ना उनसे पूछो गर्मी क्या होती है। आप तो यहाँ बैठ के पंखे के नीचे बैठ के बोलते बहुत गर्मी हो रही है। खदानों में जो काम करते हैं उनका टेम्परेचर 7-8 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री क्या होता है, ज्यादा होता है बाहर से। ठीक है, यह विभिन्नता ही वायु में गति का कारण है, अर्थात पवने हमेशा उच्च वायु दाब क्षेत्र से कम वायु दाब क्षेत्र की तरफ चलती है। हमेशा याद रखना, जैसे पानी ऊंचाई से नीचे की तरफ बहता है वैसे ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं। क्यों चलती हैं? उस लो प्रेशर को भरने के लिए। कब तक चलेंगी? जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाए, ये नियम है प्रकृति। वायु दाब तथा तापमान में विपरीत संबंध होता है, तापमान के अधिक होने पर वायु दाब कम होगा और कम होने पर वायु दाब क्या होगा, अधिक होगा। तो समझ में आ गया, जिस दिन गर्मी होगी बहुत तेज धूप होगी उस दिन एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और जिस दिन कम धूप होगी या धूप नहीं आ रही होगी उस दिन एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसे करके याद करो उसको। वायु भार के वितरण पर ऊंचाई किसका किस किस का प्रभाव पड़ता है? अगर मैं क्वेश्चन बनाता मैं यहां से बनाता कि वायु दाब के वितरण पर किसका प्रभाव, किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है ऊंचाई का, मैंने कहा ऊंचाई पे जाओगे वायु दाब कम मिलेगा, नीचे आ जाओगे वायु दाब क्या होगा। तो जब आप कभी ट्रैकिंग पर हो क्या हो, और आपको ऐसा लगे कि अब सिर पे हथौड़े बज रहे हैं, अंदर क्या हो रहे हैं, रोने का मन कर रहा हो, क्या कर रहा हो, ऐसा लग रहा हो एक होम सिकनेस सी आ रही हो, और आपका ब्रेन काम कर रहा हो कि बचूंगा नहीं जी, अब आज रात को मुश्किल लग रहा है, तो भाई ज्यादा देर मत रहना वहां पर। क्या करना है, क्या करना है,
नीचे आना, नीचे उतरना है। जैसे जैसे नीचे आप उतरेंगे आपका दिमाग का जो क्या है समस्या वो सही होती चली जाएगी। कोई इलाज नहीं है, डाइमोक्स खाओ, कुछ खाओ, कुछ भी खा लो, अब नहीं होता। जब एक बार क्या हो गया, एल्टीट्यूड लग गई आपको, अब नहीं होगा। अब ये बातें मेरी आपकी भी समझ में नहीं आ रही होगी। कभी जाना ले जाना सबसे ऊंची सड़क पर, एक तो आपकी जो स्कूटी है वो तो चलेगी नहीं, बुलेट बुलेट चलती है वहां पर, और जैसे आप वहां पहुंचोगे तो कुछ लोगों को चक्कर भी आते हैं, गिरते भी हैं, तो घबराना मत। ये सब इफेक्ट किस चीज के हैं, वायु दाब के हैं, किसके हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। नंबर एक ऊंचाई। अच्छा, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है और दूसरा ठंड भी होती है और तीसरा ऑक्सीजन की कमी, दो तीन कारण काम कर रहे होते हैं वहां पर। क्या क्या कर रहे होते हैं? एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, ऑक्सीजन की कमी है, सांस ले रहे हैं जा ही नहीं रही ऑक्सीजन, और तीसरा ठंडा। तो वायु भार के वितरण पर किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है? नंबर एक ऊंचाई, नंबर दो तापमान, नंबर तीन वायु प्रवाह, नंबर तीन वायु प्रवाह, नंबर चार पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन, घूर्णन मतलब रोटेशन, तथा जलवाष्प आदि का प्रभाव अधिक होता है। जलवाष्प मतलब वाटर वेपर। वायुदाब का अध्ययन जब हम करते हैं तो एक करेंगे लंबवत वितरण और एक करेंगे क्षैतिज वितरण। क्या करेंगे? लंबवत वितरण और एक करेंगे, लंबवत बोलते हैं वर्टिकल में और क्षैतिज बोलेंगे हॉरिजॉन्टल में। तो भैया अब करना है हमने क्या, सबसे इंपॉर्टेंट पेटियां। तो भूतल पर वायुदाब का वितरण, भूतल पर सबसे पहले तो क्या करो कि डायग्राम देखो, 0 डिग्री इक्वेटर दिख रही होगी आपको अर्थ पर, दिख रही है, 5 डिग्री लिखा हुआ है, नीचे भी 5 डिग्री है, 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। यहां पर जो दाब होगा वो कम होगा, क्यों होगा? क्योंकि वर्ष भर तापमान ऊंचा रहता है, जमीन के कांटेक्ट में जो एयर है वो गर्म होकर ऊपर उठती है, उसके कारण यहां पर क्या बोलता है, लो प्रेशर बेल्ट है, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट या भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी, इसको डोलड्रम भी बोलते हैं। आगे चल के पढ़ेंगे हम डोलड्रम, क्या पढ़ेंगे? डोलड्रम, ठीक है। और वो जो ITCZ पढ़ा ना आपने पहले, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतरा उष्णकटिबंधीय पेटी, ये भी वैसे यहीं पर होती है, लेकिन सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने की स्थिति में ऊपर और नीचे खिसकती है। और ये अंतरा उष्णकटिबंधीय पेटी क्या होती है, आगे चल के पढ़ेंगे हम, ट्रेड विंड्स आएंगी, दोनों मिलेंगी यहां पर, एक ऊपर से आएगी एक नीचे से आएगी, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक सदर्न हेमिस्फीयर, दोनों मिलेंगी, दोनों का क्या होगा, क्या बोला मैंने, कन्वर्जेंस जोन, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, कन्वर्ज हो रही है यहां पर, क्या हो रही है, मिल रही है, मिलके क्या हो रही है, ऊपर उठ रही है, ऊपर उठने से क्या हो रहा है, मॉइस्चर लेके जा रही है, वर्षा कैसी होगी इस क्षेत्र में, संवहनीय वर्षा होगी, कैसी होगी, संवहनीय वर्षा होगी। समझ में आ गया, समझ में आया? मैं साथ में अन्य कंसेप्ट भी बता रहा हूं, इनको बताने की जरूरत नहीं है यहां पर वैसे, लेकिन उसको समझो। दूसरा दिख रहा होगा आपको 30 से 35, दिख रहा है 30 से 35 ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 30 से 35 सदर्न हेमिस्फीयर में, इसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटी, इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल लो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ऐसे नीचे वाले को भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। उसके बाद 60 से 65 दिखाई दे रही होगी आपको उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी, नीचे भी दिखाई दे रही होगी उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी 60 से 65, इसको बोलते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। क्या बोलते हैं? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और फिर ऊपर दिख रहा होगा आपको ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटी, और नीचे भी दिख रहा होगा ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटी, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। अच्छा जी, तो इनमें कुछ तापजन्य होती हैं, कुछ गतिजन्य होती हैं। तापजन्य कौन कौन सी हैं? 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास 5 से 5 वाली, ये तापजन्य हैं।
ध्रुवों पर जो पेटी है ये भी तापजन्य है। कैसी है? तापजन्य है। गतिजन्य कौन कौन सी है? गतिजन्य कौन कौन सी है? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटी यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी, तो डायग्राम बना रखा जो मैंने बताया था आपको उस दिन, पता है एरो कहाँ कहाँ जा रहे हैं? बस ठीक है जी। समदाब रेखाओं की सहायता से ग्लोब पर वायु दाब के वितरण का अध्ययन किया जाता है। यदि वायु दाब के स्थूल वितरण का अवलोकन किया जाए तो दो प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर एक उच्च वायु दाब तथा उसको प्रदर्शित प्रति चक्रवातीय क्षेत्र, उच्च वायु दाब और उससे प्रदर्शित एंटी साइक्लोनिक एरिया। दूसरा निम्न वायु दाब और उससे प्रदर्शित चक्रवातीय क्षेत्र, साइक्लोनिक। प्रति चक्रवात बोलते हैं एंटी साइक्लोन को और चक्रवात बोलते हैं किसको? साइक्लोन को। आगे पढ़ना है हमने चैप्टर में कि साइक्लोन क्या होते हैं, एंटी साइक्लोन क्या होते हैं। यदि समस्त ग्लोब का अवलोकन किया जाए तो साफ साफ दिखता है हमें कि उच्च दाब तथा निम्न दाब का कुछ निश्चित प्रणाली के अंतर्गत वितरण है, सुस्पष्ट वितरण है। यदि पृथ्वी को साधारणीकरण के लिए समरूप मान लिया जाए, समरूप का मतलब ना ऊंची ना नीची, ये मान लिया जाए पृथ्वी एक जैसी है, फ्लैट, मतलब कहीं पर पहाड़ नहीं है, कहीं पर खड्ड नहीं है, कुछ नहीं है, कोई डेजर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा एक समान है पृथ्वी। अगर ऐसा मान लिया जाए, पृथ्वी को साधारणीकरण के लिए समरूप मान लिया जाए, तो वायु दाब का वितरण क्रमबद्ध मेखलाओं के रूप में पाया जाता है, किंतु स्थल तथा जल के असमान वितरण के कारण मेखलाओं की क्रमबद्धता में अवरोध पड़ जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इन मेखलाओं के कई केंद्र होते हैं, परंतु दक्षिणी गोलार्ध में मेखलाएं अविच्छिन्न रूप से पाई जाती हैं। कैसी पाई जाती हैं? धरातल पर वायु दाब का भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक कोई नियमित वितरण नहीं होता है। भूमध्य रेखा के पास अधिक तापमान के कारण निम्न वायु दाब होता है तथा कर्क एवं मकर रेखाओं के पास उच्च वायु दाब मिलता है। यहां से ध्रुवों की ओर तापमान में गिरावट के कारण वायु दाब को बढ़ना चाहिए, परंतु 60 डिग्री अक्षांश के पास निम्न हो जाता है। अब मैंने बोला नहीं आपको जहां पर हाई होना चाहिए, चलो ठीक है, बीच वाला तो लो प्रेशर बन गया, ठीक है जी। ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटी, भाई यहां पर भी ठीक ठाक होता है 30 से 35 में टेम्परेचर तो, लेकिन यहां पर क्या मिल रहा? हाई प्रेशर बेल्ट मिल रही। उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी, ठंडा इलाका है भाई, हाई प्रेशर होना चाहिए, लेकिन पढ़ क्या रहे हम? लो प्रेशर बेल्ट। क्या पढ़ रहे हैं? तो आगे चल के पढ़ेंगे आपकी पृथ्वी की जो क्या पृथ्वी का यहां पर ये जो क्षेत्र है, यहां पर क्या होती है? हवाएं फैल जाती हैं। क्या होती है? फैल जाती हैं। फैलने के कारण लो प्रेशर बनता है। यहां पर पृथ्वी का जो आकार है उसकी वजह से ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पर हवाएं क्या होती है? फैल जाती हैं, जिसकी वजह से यहां पर लो प्रेशर बनता है पृथ्वी की गति के कारण। समझ में आ गया? तो वायु दाब की पेटियों की उत्पत्ति में केवल तापमान का ही हाथ नहीं होता है, वरन गतिक कारण यानी डायनामिक फैक्टर भी महत्वपूर्ण होते हैं। कौन से फैक्टर? डायनामिक फैक्टर भी महत्वपूर्ण होते हैं। ग्लोब पर वायु दाब की कुल 7 पेटियां होती हैं, जब हम पढ़ने के लिए बना रखी हमने, कोई होती नहीं है पर पढ़ने के लिए बना रखी, 7 पेटियां होती हैं। उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर वायु दाब की पेटियों को दो वृहद समूह में विभाजित किया जाता है, एक तापजन्य वायु दाब पेटी और एक गतिजन्य वायु दाब पेटी। तापजन्य को बोलते हैं थर्मल प्रेशर बेल्ट और गतिजन्य को बोलते हैं डायनामिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। थर्मल प्रेशर बेल्ट में कौन कौन आ रही है? इसमें भूमध्य रेखा निम्न वायु दाब की पेटी आ रही है यानी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट आ रही है। दूसरी आ रही है ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटी यानी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। पोलर यानी तीन पेटियां तापजन्य, एक बीच वाली और दो ऊपर और नीचे वाली ध्रुवों वाली। अरे ध्रुवों पे ठंड होती है, वहां पे क्या होना चाहिए? हवा बैठनी चाहिए नीचे, हाई प्रेशर बनना चाहिए, तो हाई प्रेशर ही है ध्रुवों पर। ध्रुवों पर क्या है? हाई प्रेशर है। लेकिन गतिजन्य वाली कौन कौन सी है? तो 4 पेटियां गतिजन्य है। कौन कौन सी? उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। ये कैसी है? कैसी है? ये गतिजन्य। ठीक है,
उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी को बोलते हैं सब ट्रॉपिकल लो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी को बोलते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। समझ में आ गया? ठीक है जी, इसमें लिख देना भाई, मेंस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है इसको। कैसे पढ़ना नहीं है? हाँ, उस शब्द से आप नफरत करते हैं, याद करना है, घोटना है, लर्न करना है, ऐसा बोल दिया तो टीचर शत्रु हो जाता है। टीचर वही अच्छा है जो खाली क्या करे, एंटरटेन करे आपको। आज के समाज के हिसाब से देख रहा हूं मैं, कोई अगर ये बोल रहा है कि याद करना है भाई तुम्हें, तो शत्रु हो गया। फिर क्या हो गया? ठीक है, शत्रु ही सही। विषुवत रेखे निम्न वायुदाब पेटी यानी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इस क्षेत्र का विस्तार 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य होता है। यह अत्यधिक निम्न वायुदाब का कटिबंध है, लो प्रेशर का कटिबंध है। इस कटिबंध में धरातलीय क्षैतिज पवन नहीं चलती है, हवाएं ऐसी नहीं चलती है, ऐसे में चलती है। कैसे? ऐसे में नहीं चलती, शांत क्षेत्र है बिल्कुल। जैसे आप ऋषिकेश में हो तो आपको तो नहीं महत्व तो पता होगा वो जो हवाएं चलती हैं जिससे कभी, अब तो नहीं होते एंटीने, लेकिन किसी जमाने में हमारा बचपन एंटीना सेट करने में बीत गया पूरा, है ना। एंटीना सेट करने में मतलब रात को शाम को घुमाया कहीं तो सुबह कहीं और मिलता था, अब एंटीने नहीं होते। उन हवाओं से आप नफरत करते हैं, लेकिन उन लोगों से पूछना जो इस क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ हवाएं नहीं, क्या नहीं होती है यहाँ पर? निम्न वायुदाब का कटिबंध है, इस कटिबंध में धरातलीय क्षैतिज पवन संचार नहीं मिलता है या नहीं चलती है, क्योंकि इस कटिबंध की ओर आने वाली पवन इसकी सीमाओं के समीप पहुंचते ही गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। और ये हवाएं कौन सी होती है? ट्रेड विंड्स होती है। क्या होती है? ट्रेड विंड्स मिली और ऊपर उठ गई। ठीक है जी, यही कारण है कि इस कटिबंध में केवल ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं ही पाई जाती हैं, और ये ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं ही संवहनीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। इसके लिए 3 बजे तक हवाएं उठती रहेंगी ऊपर, उसके साथ मॉइस्चर जाता रहेगा, बादल बनते रहेंगे। 3 बजे के बाद इट रेन्स कैट एंड डॉग्स, मूसलाधार वर्षा होती है। क्या होती है? और रोज होती है। आप तो अभी परेशान हो गए बारिश से, तो इस क्षेत्र में अगर जन्म लिया होता तो पता चलता कि रोज आपको क्या मिलती? बारिश मिलती। यही कारण है कि इस कटिबंध में केवल ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं पाई जाती है, क्षैतिज पवन प्रवाह के अभाव में यहाँ शांत वातावरण होता है, इसलिए इसे डोलड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? डोलड्रम कहते हैं, ए रीजन ऑफ काम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ए रीजन ऑफ काम, काम मतलब शांत। इस क्षेत्र में दोनों गोलार्धों में स्थित उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधों से आने वाली व्यापारिक पवनों का मिलन या अभिसरण यानी कन्वर्जेंस होता है, अतः इस मेखला को अंता उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ITCZ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ITCZ भी बोलते हैं। इस कटिबंध में प्रतिदिन वर्षा होती है, अतः इसका भी प्रभाव वायुदाब पर पड़ता है। अगला, दूसरी पेटी है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री। अच्छा, जब आप ऊपर वाला पढ़ रहे हो ना, क्या पढ़ रहे हो आप? अभी एक लाइन पढ़ी है आपने कि इस क्षेत्र में दोनों गोलार्धों में स्थित उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधों से आने वाली व्यापारिक पवन है। इन व्यापारिक पवनों को अगर आप नाम से लिख दें, नाम से लिख दें मतलब नॉर्थ ईस्ट, ऊपर से जो आएंगी वो आएंगी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने, और नीचे से जो आएंगी वो आएंगी कौन सी? साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्वी। अगर इन व्यापारिक हवाओं के साथ अगर आप इनके नाम याद कर लें अभी से, आगे वाले चैप्टरों में आपको बहुत आसानी होने वाली है, तो कृपया इनको याद कर लो। इसका भी नाम याद करना है, पछुआ पवनों का नाम याद करना है, और पोलर विंड्स का नाम याद करना है। क्यों? क्योंकि जब चक्रवात या कोई और चैप्टर पढ़ रहे होंगे वहां पे काम आएगा आपको। और अगर आप ऐसा नाम डायरेक्शनल नेम के साथ आप ट्रेड विंड्स को लिखते हो तो समझ लेना कि जो कॉपी चेक करने वाला होगा ना वो एक्स्ट्रा नंबर देता है। क्या देता है? जब मानसून में आप बोलते हो ना कि मानसून साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स का ही बड़ा हुआ भाग है,
यानी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जब 0 डिग्री इक्वेटर को पार कर लेती है, सूर्य उत्तरायण स्थिति में जाता है तो आईटीसी जेट खिसक जाता है। ये क्या करती है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड 0 डिग्री इक्वेटर को पार करती है, फेरल के नियमानुसार अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है और क्या बन जाती है, साउथ वेस्ट मानसून बन जाती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो समझ लेना क्या नंबर बढ़िया। अरे भाषा ही तो है यार, है ना, इंसान हो मनुष्य हो और भाषा ही नहीं होगी आपके पास तो फिर आप में और क्या उन पशुओं में अंतर नहीं रहेगा। पशु बता ही नहीं पाता, पशु बता पाता है क्या? अब मेरा स्ट्रीट डॉग है, पता नहीं कहां कहां घूम के आता है, लेकिन उसने कभी नहीं बताया मुझे कहां कहां घूमा मैं, क्या स्थिति है नीचे, है ना। लेकिन आप लोग घूमते तो एक भाषा आप बताते हो कि मैं वहां गया गई, वहां मैंने ऐसा देखा, उसने ऐसा पहना हुआ था, नहीं है? हाँ जी। अच्छा, जिसके पास ज्यादा अभिव्यक्ति है, जिसके पास भाषा है अभिव्यक्ति है, वही तो अधिकारी है, बाकी है कुछ थोड़े। और याद करके भी अधिकारी बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऐसे क्षेत्र के व्यक्ति होते हो कि वो आपकी भाषा नहीं है, मदर टंग नहीं है, जैसे साउथ इंडियंस है, उनकी मदर टंग इंग्लिश नहीं है लेकिन वो यूज टू है, तो उनका मीडियम जो होता है इंग्लिश ही होता है, इंग्लिश में बहुत अच्छा लिख लेते हो। अब आप हिंदी भाषी हो, आपकी पहली फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, आपको इंग्लिश लिखने में दिक्कत होती है क्योंकि बचपन से डराया गया है इंग्लिश भाई बहुत कठिन होती है, जबकि ऐसा नहीं है, सामान्य भाषा होती है। या कई बार ऐसा देखा होगा आपने कि कोई राज्य विशेष का व्यक्ति है, उसकी भाषा बोलने की कुछ और है लेकिन जब वो लिख रहा है तो वो किताबी भाषा लिखता है, क्या करता है, अगर अपनी भाषा में लिखेगा तो भाई मुझे नहीं लगता कि फोर्थ समूह भाव में भी आएगा कहीं। लेकिन क्या है कि जो कॉपी चेक करने वाला उसको वही भाषा चाहिए, कौन सी, अंतरा उष्णकटिबंधीय क्या अभिसरण मेखला इस तरह के। अब ये थोड़े बोलेंगे कि जहां जी वो जो हवाएं मिलती हैं दोनों वो वाली मेखला, ऐसे थोड़े बोलेंगे, आपको बोलना पड़ेगा ITCZ। अगला, उपोष्ण चुवाईदा पेटी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों में उच्च दबाईदा पेटियां पाई जाती हैं। इस भाग में शीतकाल के 2 महीनों को छोड़कर वर्ष भर ऊंचा तापमान रहता है, क्या रहता है, ऊंचा तापमान रहता है। गर्मियों में तो ग्लोब का उच्चतम तापमान यहीं पर अंकित किया जाता है, कहां पर, इन्हीं पेटियों में, किन पेटियों में, इस पेटी में 30 से 35 वाला, चाहे तो पाकिस्तान का जैकोबाबाद हो चाहे आपका लीबिया का अल अजीजिया हो, वो लगभग लगभग इस पेटी के आसपास पाया जाएगा। उच्चतम तापमान यहीं पर नोट किए गए हैं, 59 डिग्री सेंटीग्रेड तक नोट किए गए, 60 में मर जाता है आदमी, कितने में। और दिन देखोगे आप जिस हिसाब से पेड़ काट रहे हो ना, जल्दी वो दिन देखोगे कि क्या स्कूटी में भी एसी लगा के चलना पड़ेगा आपको। ठीक है, वर्ष भर ऊंचा तापमान रहता है, बता दिया मैंने, गर्मियों में तो ग्लोब का उच्चतम तापमान अंकित किया जाता है, उस पर भी उच्च वायु दाब होता है जबकि नियमतः निम्न दाब होना चाहिए। तो भाई ऐसा क्यों है, इसीलिए तो बोल रहे हैं गतिजन्य पेटी है, तापजन्य नहीं है, टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं दिख रहा इस पेटी में, किसका दिख रहा है, संसार के सबसे ऊंचे तापमान वाले क्षेत्र नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी में पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी क्या है, क्या बन रहा, हाई प्रेशर बन रहा, जबकि बनना क्या चाहिए था नियम से, लो प्रेशर बनना चाहिए था, तो ऐसा क्यों हुआ, इस पेटी का उच्च दाब तापमान से संबंधित न होकर पृथ्वी की दैनिक गति तथा वायु के अवतलन से संबंधित है, किससे संबंधित है, वो जो ट्रेड विंड्स मिली थी ऊपर उठी थी, अब वो ऐसे करके जाएगी, ऐसे फैलेगी, इधर और इधर उतरेगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस पेटी में और सदर्न हेमिस्फीयर में इस पेटी में। तो जब हवा उतरेगी तो वहां पर हमेशा क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। अब पता नहीं मैं तो फील कर पा रहा हूं, आप लोग फील कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, अरे भाई तो थे ही नहीं उस दिन, तो कहां से फील करोगे, ये आई, ये माना ऐसे आई, ये ऊपर उठी,
यहां पर बैठे, ये ऐसा चक्र चलता है ये ऐसा। तो जब कोई हवा बैठेगी वहां पर क्या होगा, हाई प्रेशर बन गया। ऐसे यहां से भी क्या हुआ, ये ऐसे गई यहां उठी और यहां बैठी, ये ऐसे चलता है। ये डायग्राम बनाना पड़ता है, कैसा ऐसा, ये कैसा दिख रहा आपको, ये ऐसे में कैसे दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। अच्छा जी, घड़ी ऐसे चलती है आपकी, नहीं मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं भाई, क्या घड़ी ऐसे चलती है, ये ऐसे चलती है, और जब मैं ऐसे कर रहा हूं तो ये ऐसे, अरे घड़ी क्लॉकवाइज। तो कोना अर्थ जब बनाते हैं तो वहां पर दिखाना पड़ता है ऐसे करके और ऐसे करके, तो उसका मतलब क्योंकि थ्री डायमेंशनल में तो दिखा नहीं सकते हम, तो साइड में दिखाते हैं हम, कहीं पर होगा देखो डायग्राम, ये देखो अगले वाले उसमें देखो, अगला डायग्राम देखो, तीर बना रखे हैं, देखो जरा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कहां गिर रहे हो तीर, अरे गिर का रहे हैं, हाई प्रेशर वाली बेल्ट पर नीचे गिर रहे हैं, आगे समझ में। वो तो भाई साइड में मत, साइड में बनाना बड़ा कठिन होता है, तो आपने ऐसे करना, देखो ऐसे, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे कैसे, और नीचे ऐसे, और फिर जब नहीं समझ में आएगा तो ग्लोब लेना है ना, और यहां पर ऐसे करना कि देखो ये ट्रेड विंड आ रही है इधर, तो ये आएगी यहां पर ऊपर उठेगी और फिर कहां बैठेगी, यहां बैठेगी, फिर आएगी, फिर अब टेढ़ा नहीं करते ना हम, जब हम दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं, ऐसे कैसे, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, एक चीज और समझो, एक ही तरफ की खाली ये हवाएं नहीं बैठ रही, मैंने क्या कहा अभी, इसको ध्यान से देख लो, यहां देख लो वरना नहीं आएगा समझ, मैंने कहा यहां से उठा यहां गिरा, यहां से उठा यहां गिरा, खाली इतने से हाई प्रेशर नहीं बन रहा, यहां पर भी एक पेटी है, और यहां पर क्या हो रहा कि इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर गिर, ऐसे गिर रही है, ऐसे दो जगह की हवाएं गिर रही है, समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया, क्या आया, मैंने कहा यहां देखो टाइम लग रहा है इसमें, लेकिन दिमाग को एक बार खोल लो ना, कि यहां से इधर गिरी और इधर से भी इधर बैठी, तो दो जगह की जब बैठेंगी तो भाई वहां पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा, क्या बनेगा, तो इसको अगले वाले डायग्राम में समझो, जो अगला वाला डायग्राम दे रखा, उसके तीर देखो आप कहां पर गिर रहे हैं, आ गया समझ में, जिसकी समझ में ये आ गया तो आगे भी आएगा समझ में, यहां पर नहीं आया तो भूल जाना, फिर काला अक्षर भैंस बराबर, तीर किसी के भी लगे तो। मैंने कह दिया इस पेटी का उच्च दाब तापमान से संबंधित ना होकर पृथ्वी की दैनिक गति से तथा वायु के अवतलन से संबंधित है, ये समझ में आ गया, वायु के अवतलन से समझ में आ गया, अवतलन बोलते हैं उतरने को, अवतलन मतलब उतरना, ठीक है। भूमध्य रेखा से उठी वायु तथा उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की वायु इन अक्षांशों में नीचे उतरकर बैठती है, देखो कितनी आसान भाषा में बोल दिया उसने कि भूमध्य रेखा से उठी वायु, और दूसरा क्या बोला उसने, उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की वायु, उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की वायु, उपध्रुवीय जो निम्न वायु दाब है वहां पर भी तो ऊपर उठ रही वायु बैठेगी कहां पर, यहीं पर बैठेगी कहां पर, 30 से 35 में, 60 से 65 से जो उठी वो कहां बैठी, 30 से 35 के बीच में बैठी, लेकिन उसने एक लाइन में पूरा समझा दिया कि भूमध्य रेखा से उठी वायु तथा उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की वायु इन अक्षांशों में नीचे उतरकर बैठती है, जिस कारण इसका आयतन कम होने के कारण वायु दाब अधिक हो जाता है, इस प्रकार यह उच्च वायु दाब गतिजन्य है, कैसा है, डायनामिकली इंड्यूस्ड होता है, समझ में आ गया, ठीक है। इन अक्षांशों पर वायु के नीचे उतरने के कारण वायु का क्षैतिज संचालन नहीं हो पाता, जिस कारण यहाँ पर वायुमंडल प्रायः शांत रहता है, मध्य युग में घोड़ों को ले जाने वाली नौकाओं को
यहाँ की शांत वायुमंडलीय दशाओं के कारण काफी कठिनाई होती थी एवं नौकाओं का भार हल्का करने के लिए घोड़ों को कई बार समुद्र में फेंकना पड़ता था, इसलिए इस कटिबंध का नाम अश्वक्षांश पड़ा। अरे पाल वाले जहाज होते थे, हवाएं चलती नहीं थी, घोड़े लाद के वो अरब अरब के लोग घोड़े लाद के बेचने के लिए लाते थे, जैसे ही इस अक्षांश में पहुंचे जहाज आगे नहीं बढ़ता था, उनको लगता था कि घोड़े ज्यादा भारी हो गए इसलिए घोड़ों का फेंक देते थे, अरब है वो घोड़ों को पानी में फेंक देते थे, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा अश्वक्षांश। एक क्वेश्चन यही बनता हॉर्स लैटिट्यूड है क्या 30 से 35, क्या है 30 से 35 वो, क्लियर हो गया। और इतना समझाने के बाद भी अगर आप समझ में नहीं आ रहा है तो फिर तो आप दिल्ली चले जाओ, इलाहाबाद चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, नहीं आएगा समझ में। इसका मतलब आप अपने दिमाग का प्रयोग नहीं कर रहे हो अगर इतने समझाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा। संसाधनों की कमी है, बट मैं समझा रहा हूं ग्लोब पर, आप इस पर ग्लोब पर। अगला, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट 60 से 65 वाली, क्या होना चाहिए भाई? अरे 65 पर जम जाता आदमी, इतना ठंडा है, तो क्या होना चाहिए? हाई प्रेशर होना चाहिए, ठंडा है ना, बैठनी चाहिए ना वायु, लेकिन है क्या वहां पर? लो प्रेशर। क्यों है वो बता रहा हूं। 60 से 65 उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच निम्न वायु भार की पेटियां पाई जाती हैं, जिसे उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी कहते हैं, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। इसके निर्माण में भी गतिक कारण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, यानी ये भी डायनामिकली इंड्यूस्ड होती है, गतिजन्य पेटी है ये भी, क्या है? वास्तव में पृथ्वी की घूर्णन गति यानी रोटेशन, पहले तो ये याद करना आपने, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इन अक्षांशों में वायु फैलकर स्थानांतरित हो जाती है, वायु फैलकर स्थानांतरित हो जाती है, जिस कारण इन अक्षांशों की जिस कारण गतिजन्य कम वायुदाब का आविर्भाव होता है, लो प्रेशर बन जाता है। यहां पर हवा फैलेगी तो लो प्रेशर बनेगा, हवा उठेगी तो लो प्रेशर बनेगा, हवा फैलेगी तो भी क्या बनेगा? लो प्रेशर बनेगा। उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की मेखला का दक्षिणी गोलार्ध में अधिक विकास हुआ है तथा यह अधिक नियमित यानी रेगुलर है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में इसकी नियमितता भंग हो जाती है। इस स्थिति का प्रमुख कारण उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग एवं दक्षिणी गोलार्ध में सागरीय भाग का प्रभुत्व है। जब आप पैदा हुए थे यूपीएससी ने उस दिन ये क्वेश्चन पूछ लिया था, है ना, कब पूछ लिया था? जब आप पैदा हुए थे या जब आप पैदा नहीं हुए थे अभी, तब 2002 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा क्यों होता? कारण समझ में आ गया, ठीक है जी। अगला, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट 80 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव तक उच्च भार की पेटियां होती हैं, जिन्हें ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं। यह उच्च वायुदाब तापजन्य होता है, क्या होता है? तापजन्य, निम्न तापजन्य, निम्न तापजन्य, निम्न ताप से जन्म लेता है। वायुदाब की पेटियों की जो स्थिति है वर्ष भर संबुत नहीं रहती है, सूर्य की उत्तरायण तथा दक्षिणायन की स्थिति में स्थल तथा जल के स्वभाव में अंतर आदि कारकों से वायुदाब की दैनिक वायुदाब में दैनिक और वार्षिक परिवर्तन होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? दैनिक परिवर्तन होते रहते। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा, आ गया, ठीक है, इसमें इतना काफी।